Mr. Nilesh Chauhan. Mr. Nilesh Chauhan happens to be with us. Nilesh Chauhan sir, namaskar. Nilesh Chauhan ji, namaskar. Nilesh Bhosle sir. Nilesh Bhosle sir. Even last time I called you Chauhan, I don't know why. I'm so sorry. बहुत सारे spokesperson जब आपके आ रहे थे सूरज चौहान, नील चौहान तो सब चौहान. They were all Chauhans. Not my fault. Anyway, I apologize. Mr. Bhosle. Mr. Bhosle, from the family of Chhatrapati Shivaji Rao Bhosle, Mr. Nilesh Bhosle. Bhosle sir, ये बताएं जिस प्रकार शरद पवार साहब ने मीटिंग करी बीड में, उसके बाद उत्तर सभा की गई, उसके बाद आदरणीय सम्माननीय छगन भुजबल साहब ने अटैक किया शरद पवार जी को, ये क्या है सर? कुछ जरा समझाएंगे इसके बारे में भोसले साहब? निश्चित रूप से पवार साहब ने जब बीड में एक बड़ी सभा का आयोजन किया और उसमें जब पवार साहब ने अपनी बात लोगों के सामने रखी, लोगों में खुशी का माहौल था कि योद्धा लड़ रहा है, ताकत से खड़ा है और आने वाले समय में यदि महाराष्ट्र किसी मजबूत हाथों में और विश्वास दर्शक हाथों में अगर देना है तो पवार साहब ही वो व्यक्तिमत्व है। इसलिए पवार साहब के प्रति लोगों का आकर्षण और पवार साहब के प्रति लोगों का विश्वास और भी ज्यादा बढ़ने लगा। इस डर से, इस दहशत से अजीत पवार साहब के गठ ने कहीं ना कहीं पे बीजेपी की पीठ में जाके सभा लेने का काम किया। उनको समझ में आ रही एक चीज कि पवार साहब अगर महाराष्ट्र में घूमेंगे तो जिस प्रकार से पिछली बार पवार साहब घूमने के कारण बड़े पैमाने पे वोट ट्रांसफॉर्मेशन हुआ था और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के सीट लगभग 54 के आसपास पिछली बार आए थे, इस बार फिर से पवार साहब घूमेंगे बीजेपी के अगेंस्ट में और उनके अलायंस पार्टीज के अगेंस्ट में, तो इस बार ताकत से और सीट ज्यादा बढ़ने की चांसेस है। तो वही दहशत है कि पवार साहब घूमेंगे तो हम लोग सब लोग गिर सकते हैं और इसीलिए उन्होंने उत्तर सभा लेने का काम किया। यदि आपने ठीक से देखा होगा तो सारे मिनिस्टर जो भी अजीत पवार गढ़ के थे, सभी मिनिस्टर्स को वहां पे बड़े पैमाने पे ताकत लगाने के लिए कहा गया। बड़े पैमाने पे ताकत लगाने के बाद में हर इंसान को पैसे देके हम लोग कैसे बुला सकते हैं? गाड़ियों को 10-10 हजार रुपए दिए गए, उनका फॉर्म्स बनाया गया, बस के फॉर्म बनाए गए कि कोऑर्डिनेटर कौन रहेगा, पैसा कौन देगा, खाने का व्यवस्था कौन करेगा, पानी का व्यवस्था कौन करेगा, कितना माइन्यूट लेवल पे ऑर्गेनाइज करने के बाद में बड़ी भीड़ लाई गई। लेकिन भीड़ के सामने जब छगन भुजबल साहब ने पवार साहब के अगेंस्ट थोड़ा सा मूड बना लिया अपना भाषण करने का, उसी भीड़ ने भुजबल साहब को भाषण करते हुए रोक दिया। इससे स्पष्ट संकेत है कि पैसों से आप लोग इकट्ठा कर सकते हो, भीड़ खरीद सकते हो, लेकिन निष्ठा नहीं खरीद सकते, प्रेम नहीं खरीद सकते और पवार साहब के विरोध में लोगों को आप खड़ा नहीं कर सकते। इसलिए सभी लोग जो भी पवार साहब पे प्यार करते हैं, महाराष्ट्र की राजनीति से लगाव रखते हैं और महाराष्ट्र को आगे बढ़ाने की सोच विचार रखते हैं, वो सभी लोगों ने भुजबल साहब का भाषण बीच में बंद करने के लिए कहा गया और लगभग 1.5 या 2 मिनट में उनको अपना भाषण वहां पे रोकना पड़ा। यही सबसे बड़ा संकेत है कि आने वाले समय में अजीत दादा का गठ हो या बीजेपी का और भी कोई अलायंस पार्टी का गठ हो, अगर पवार साहब के विरोध में बात करेंगे तो महाराष्ट्र ये बिल्कुल सहन नहीं करेगा और ताकत से प्रतिकार करके पवार साहब के साथ में और बड़ी ताकत खड़ा करने का काम करेगा। बोसले, वी आर ट्राइंग टू अंडरस्टैंड, सुप्रिया सुले जी ने बहुत दिन पहले बोला था कि एनसीपी हैज नॉट स्प्लिट, द एनसीपी हैज नॉट स्लिप, सम कुछ लोग जो है हमारे पार्टी के सीनियर लीडर्स ने उन्होंने दूसरे राह, उनका जो जो था डिसीजन वो दूसरा था, बट द पार्टी हैज नॉट स्प्लिट। हाउ डू यू डिफाइन इट? फिर दूसरे दिन पवार साहब ने उसको जस्टिफाई किया, बोले यस द पार्टी हैज नॉट स्प्लिट एंड ही कंफर्म। फिर सवेरे कुछ बोले, फिर दोपहर को कुछ बोले कि अजीत पवार जी इज आवर लीडर, फिर शाम तक पूरे चेंज हो गए कि नो नो नो, अजीत पवार जी को पहले भी जब बंडखोरी किया था हमने इसलिए वापस लिया था, आफ्टर ही गेव अ कंसेंट दैट मैं वापस ये नहीं करूंगा। तो ये स्प्लिट का क्या चक्कर है? फिर प्रफुल्ल पटेल जी 2 दिन पहले बोल रहे थे कि चिन्ह और पार्टी दोनों अजीत पवार जी के पास रहेंगे, अजीत पवार इज द प्रेसिडेंट ऑफ द पार्टी। बोसले साहब, कैन यू प्लीज एक्सप्लेन, ये क्या हो रहा है, व्हाट इज हैपनिंग एग्जैक्टली? देखिए, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी का एनसीपी का एक अलग सा कॉन्स्टिट्यूशन है जो इलेक्शन कमीशन में रजिस्टर्ड है, इलेक्शन कमीशन के वेबसाइट्स पे वो अवेलेबल है और उस कॉन्स्टिट्यूशन के तहत पवार साहब अध्यक्ष है इस राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के और इसमें कोई भी स्प्लिट नहीं है। निश्चित रूप से अजीत पवार ये हमारे राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के एक बड़े नेता थे, लेकिन उन्होंने जैसे ही पार्टी विरोधी भूमिका लेने का काम किया उनको एक्सपेल कर दिया गया।
उनको पार्टी से निकाला गया और पार्टी से निकालने के बाद तुरंत ही स्पीकर को उस प्रकार का लेटर दिया गया कि इनको हमने अपने पार्टी से निकाल दिया है, उनको स्पीकर को भी इन्फॉर्म करने का हम लोगों ने काम किया। इसलिए पवार साहब और सुप्रिया दाई बार बार क्लियर रख रहे कि पार्टी में स्प्लिट नहीं है, सिर्फ ये 9 लोग जो है जिन्होंने मिनिस्ट्री के लिए पार्टी के विचारधारा के अगेंस्ट में जाने का कहीं ना कहीं काम किया है, ये लोगों ने गलत काम किया है, ये लोगों ने पार्टी की विचारधारा के विरोध में जाके काम किया है, इसलिए हम लोगों ने सिर्फ ये 9 लोगों को निकाला है, बाकी पार्टी में कोई भी स्प्लिट नहीं है, ये बार बार पवार साहब भी बोल रहे हैं और सम्माननीय हमारी कार्य अध्यक्ष महोदय सुप्रिया दाई भी बोल रही है। लेकिन क्या ये सब चीजें जो है क्या इन 9 लोगों को मालूम नहीं है? सबको पता है कि आखिरकार होने क्या वाला है? शरद पवार जी के जाने का जो खतरा है वो सबको मालूम है, फिर क्यों कर रहे हैं? निश्चित रूप से ये 9 लोग जो मिनिस्टर बने हैं ये लीगल नॉलेज भी रखने वाले लोग हैं, कई साल से मिनिस्टर रह चुके लोग हैं, इनको हर कानून के बारकाओं का पता है, सिर्फ तकलीफ ये है कि वो जानते हैं कि अगर बुढ़ापे में हम बीजेपी का साथ नहीं देंगे तो जेल में रहना पड़ेगा। तो ईडी की दहशत से अगर कोई बीजेपी ज्वाइंट करना चाहता है या बीजेपी के साथ जाना चाहता है तो हम उसको रोकेंगे नहीं। निश्चित रूप से पार्टी के अगेंस्ट अगर कोई लाइन लेता है या पार्टी की विचारधारा के अगेंस्ट लाइन लेता है जो पार्टी का कॉन्स्टिट्यूशन एक्सेप्ट नहीं करता तो हम ऐसे व्यक्तिमत्वों को पार्टी से एक्सपेल करने का काम करते हैं, वही जो नाउ मिनिस्टर के साथ में हम लोगों ने ऑलरेडी कर लिया है। क्या यही एक वजह है कि अभी दिल्ली की चार्जशीट में आदरणीय सम्माननीय छगन भुजबल साहब का नाम नहीं है? सॉरी, क्या यही वजह है कि तेलगी चार्जशीट जो अभी फाइल हुई है, तेलगी केस की जो चार्जशीट अभी फाइल हुई है उसमें भुजबल साहब का नाम नहीं है? तेलगी की चार्जशीट तो होके मुझे लगता है जमाना बीत गया। अभी नई चार्जशीट जो फाइल हुई है उसमें भुजबल साहब का नाम हटा दिया गया है, शायद परसों की बात। उस विषय में मैंने अभी तक पूरा चार्जशीट पढ़ा नहीं है और एक वकील होने के कारण यहाँ पे कोई गलत स्टेटमेंट देना उचित नहीं रहेगा, इसलिए मैं पूरी चार्जशीट पढ़ के उस पर बात करना। लेकिन क्या जो अभी आपने एक्सप्लेनेशन दिया क्या वही सिर्फ एक वजह है कि ये लोग उस तरफ गए हैं कि ईडी हो गई, सीबीआई हो गई, अलग अलग एजेंसीज हो गई, उनकी वजह से इन लोगों को डर था? ऐसा हमारा कहना नहीं है, ऐसे महाराष्ट्र के लगभग 12 से 13 करोड़ लोगों का कहना है कि दूसरी कोई वजह हो ही नहीं सकती। जो लोग पवार साहब के साथ में खड़े होकर स्टेज शेयर करके बड़े ताकत से कह रहे थे कि बीजेपी की देश के प्रति और राज्य के प्रति जो भी नीतियां है वो सारी गलत है, कॉन्स्टिट्यूशन को पकड़ के बीजेपी काम नहीं करती, सारे उनके डिसीशन एंटी कॉन्स्टिट्यूशनल है, आने वाले भविष्य को लेके नहीं है, देश को कैसे डुबाया जाए, फाइनेंशियली कैसे लॉस किया जाए उस प्रकार के है, युवाओं को रोजगार नहीं मिल रहा है, किसान खुश नहीं है, ये आइडियोलॉजी यही 9 मंत्री पहले बताते थे। अचानक से क्या ऐसा हो गया कि उनको बीजेपी की आइडियोलॉजी क्लियरिटी आने लगी है, उनको वो आइडियोलॉजी अच्छी लगने लगी? तो उसका एक ही रीजन हमको लगता है कि गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन से जो भी है, ईडी रहेगा, सीबीआई रहेगा, इनकम टैक्स रहेगा, यहाँ से कहीं ना कहीं उनको कुछ धमकियां आती होगी या डर पैदा हो गया होगा, उनके कुछ पुरानी चीजों शायद गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन के हाथ में लग गई होगी और उसी डर के कारण ये लोगों ने पार्टी के अगेंस्ट में जाने का निर्णय लिया, ऐसा महाराष्ट्र की 13-14 करोड़ लोगों को लगता है। बोसे साहब, व्हाट अजित पवार सेज कि महाराष्ट्र को डेवलपमेंट की तरफ ले जाने के लिए, महाराष्ट्र को प्रगति के और लेके जाने के लिए और महाराष्ट्र के लोगों को न्याय देने के लिए हम लोगों ने बीजेपी के साथ ज्वाइन किए, प्रगति यहीं पर होगा, डेवलपमेंट यहीं पर होगा। और उन्होंने कहा कि एक जो इंडिया का बैठक थे उसमें अजित पवार जी खुद बोल रहे कि शरद पवार जी खुद बोले कि अगला 2024 का प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी होने वाले। तो अजित पवार जी का कहना है कि अगर मोदी जी ही प्रधानमंत्री बनना है तो विकास के रास्ते को अपने को अपनाना चाहिए, वी हैव टू गो द डेवलपमेंट वे, दैट इज वाई अजित पवार जी और पूरे गुट प्रफुल्ल पटेल जी भी यही कर रहे हैं। उन्होंने भी बयान किया कि शरद पवार साहब ने बोला था कि नरेंद्र मोदी इज गोइंग टू बी द नेक्स्ट प्राइम मिनिस्टर। तो हाउ ये कंफ्यूजिंग जिस प्रकार से आइडियोलॉजी है कि डेवलपमेंट चाहिए नहीं चाहिए, डेवलपमेंट के साथ रहना चाहिए नहीं चाहिए, तो व्हाई नॉट विद मिस्टर मोदी? हाउ डू यू सी द स्टेटमेंट ऑफ प्रफुल्ल पटेल एंड अजित पवार? भोसले साहब, देखिए प्रफुल्ल पटेल जी की बातों को हम लोग इतना सीरियसली नहीं लेते, कम से कम डेवलपमेंट के विषय पे। उसका कारण ये है
कि उन्हीं के ऑफिसेस को रेड करके ईडी ने अपना ऑफिस बनाया, जिसके घर में ईडी का ऑफिस है, प्रफुल्ल भाई के घर में ईडी का ऑफिस है, वो अगर हमको बताए कि डेवलपमेंट की बातें क्या है तो उनको क्या सीरियसली लेने का, उनका क्या एजेंडा रहेगा या उनका क्या मोटिव रहेगा, ये आप लोगों को ज्यादा बताने की जरूरत नहीं। और रह गई अजीत दादा की बात, तो अजीत दादा 99 में जब राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी बनी और आज लगभग हम लोग 2023 के एंड में आ गए हैं, तो 25 साल में लगभग अगर 5 से 6 साल अगर हम लोग के छोड़े जब हम लोग विरोधी पक्ष में है, तो अजीत दादा कंटिन्यू मिनिस्टर रहे हैं। अजीत दादा ने कंटिन्यू डेवलपमेंट का ही काम किया, डेवलपमेंट की ही बातें की है, और उस समय कभी भी अजीत दादा को ऐसा नहीं लगा कि बीजेपी प्रो डेवलपमेंट है। अजीत दादा ने हमेशा कहा ये देश के एसेट्स को बेच के खाने वाली पार्टी है। और जब उनपे बाकी उनके सहकारियों का सहयोगियों का प्रेशर आने लगा, तब जाके हम लोगों को ऐसा लगता है कि शायद उन्होंने कुछ गलत डिसीजन लिया होगा। लेकिन अजीत दादा हमेशा डेवलपमेंट महाराष्ट्र का खुद के दम पे करने वाला व्यक्तिमत्व है। उन्होंने कभी ऐसा नहीं कहा कि बीजेपी डेवलपमेंटल है। अभी यहाँ हाल ही फिलहाल में जब से उन्होंने वहां पे जाने के बाद में गवर्नमेंट में पार्ट होने के बाद में जब से वो डीसीएम बने, तब से उन्होंने अगर स्टेटमेंट दी होगी तो आप जान सकते हैं, सोच सकते हैं कि किस प्रकार से उन पे भी बीजेपी का प्रेशर रहा होगा। बोसला पवार साहब सेज दैट यू नो जो अनियन है, कांदा है, उससे किसान पे अत्याचार हुआ। द बीजेपी डिसीजन हैज बीन रॉन्ग। एक तो 40% इंक्रीज इन द एक्सपोर्ट प्राइस, एंड ही सेज अगर मैं था तो ये असंभव था कि ये होता था, 40% राइज इन द एक्सपोर्ट्स। हाउ डू यू सी इट? पीयूष गोयल, देवेंद्र फडणवीस कह रहा कि द अनियन प्राइसेस इज अ सुपर प्राइस दैट वी आर गिविंग टू द फार्मर्स। फार्मर्स को उनका कहना है कि ये हिस्टोरिकल रेम्यूनरेशन फॉर द अनियन फार्मर्स, जो भी 2410 पर क्विंटल जो सरकार इज पेइंग। और देवेंद्र फडणवीस आगे जाके ये भी बोल रहा है कि किसान को हमने जस्टिस दिया है, नॉट ओनली टमाटर, नॉट ओनली कांदा, बट 1 रुपया जो पीक बीमा है उससे किसान इज सिक्योर। क्या किसान पे अत्याचार हो रहा है भोसले साहब? पवार साहब का कहना कि एट्रोसिटीज आर बीइंग कमिटेड अगेंस्ट फार्मर्स, हाउ डू यू सी इट? भोसले साहब देखिए, महाराष्ट्र की मराठी जनता जो है वो कहती है कि बीजेपी ये शेठजी और भटजियों की पार्टी है, मानी हिंदू कम्युनलिज्म बढ़ाने वालों की और जो बिजनेस कम्युनिटी है उनकी पार्टी है। तो ये लोग तो हमेशा चाहेंगे कि अपना प्रॉफिट बने, और अपना प्रॉफिट बनाने के लिए अगर ये लोग हमेशा ऐसे ही इनकी सोच रही है कि फार्मर्स पे ज्यादा ज्यादा एट्रोसिटी करना, उनका शोषण कैसे हो, उनको 2 पैसा कम कैसे मिले और हमारे घर कैसे ज्यादा ज्यादा भरे, इस पे हमेशा बीजेपी के लोगों ने ध्यान दिया है। इसके पहले भी कई बार ऐसे हो चुका है और आज भी वही हो रहा है। इसीलिए पवार साहब ने किया कि किसान खुश नहीं है, और निश्चित रूप से सरकार की तरफ से जिस प्रकार से उनको न्याय देना चाहिए था वो न्याय न देते हुए उनका एक्सप्लोइटेशन हो रहा है, उन पर एट्रोसिटीज हो रही है। पवार साहब एक किसानी से जुड़े हुए नेता है, किसानों के नेता है, उनको इस बात का पूरा जानकारी है, इस बात की पूरी जानकारी है कि किसान किस प्रकार से कष्ट में पूरी मेहनत करके अपने खून का पानी करके पसीना करके वहां पे हर कोई भी फसल हो उसको उगाने का काम करता है, तो उसको कौन सी तकलीफों का सामना करना पड़ता है, और इतना सामना करने के बाद में यदि उसका दाम सही तरीके से न मिले तो उसके पास आत्महत्या के अलावा दूसरा कोई ऑप्शन जब नहीं रहता, तब पवार साहब जैसा व्यक्तिमत्व जिसने जिंदगी भर अपनी किसानी से ही नेतृत्व किया या किसानों का ही नेतृत्व किया। भोसले साहब, अभी पिछले कुछ सालों से तो एमएसपी मिनिमम सपोर्ट प्राइस तो मिल ही नहीं रही है, तकरीबन तकरीबन हर एक क्रॉप के लिए अगर आप देखें तो जो एमएसपी प्रॉमिस की गई थी मतलब उसके तो आसपास भी प्राइस नहीं मिल रही है। क्योंकि अगर आप देखें अनियन फार्मर्स जो हैं वो तो कहते हैं कि जो 2410 रुपये पर क्विंटल जो प्राइस ऑफर की गई है 2 लाख टन के लिए, वो तो उनकी जो लागत आती है उससे भी 50% है। मतलब दे स्पेंड अबाउट 40 or 43 rupees पर किलो, और rather 40 rupees टू प्रोड्यूस एटलीस्ट 1 kilo ऑफ अनियंस, हियर दे आर गेटिंग ओनली 24 rupees। तो क्या ये बहुत बड़ा मुद्दा बनेगा आगे जा करके भोसले साहब? निश्चित रूप से ये मुद्दा ऑलरेडी बन चुका है। किसान खुश नहीं है अगर अपना मेहनत का पैसा भी बाहर नहीं निकल रहा है, और उसको अगर किसानों को मदद करने का हाथ देने के वजह सिर्फ बिजनेस कम्युनिटी को खुश करने के लिए अगर भारतीय जनता पार्टी ऐसे समय में जब मुश्किल में किसान है उसके आंसू पोषने के अलावा अपने बिजनेस कम्युनिटी को अगर फायदा देने का काम कर रही है, तो निश्चित रूप से किसान तो परेशान होगा ही ना।
एमएसपी की बात कर रहे हैं, एमएसपी कहीं पे भी नहीं मिल रहा, किसी फसल को नहीं मिल रहा है। करेक्ट। एक रुपए बीमा की बात की थी, एक रुपए बीमा अगर होता और इतना अच्छा पैसा उनको अगर मिल जाता, लाखों रुपए ऐसे ही किसानों को मिल जाता, तो क्यों किसान रोड पे आके इतना हंगामा करता? किसान परेशान है, किसान दुख में है, दर्द में है। किसान जानता है कि यदि हमको ये फसल का पैसा नहीं मिला तो बारिश अभी डीले हो चुकी है महाराष्ट्र में, पूरे देश का आलम वही है। महाराष्ट्र में तो बारिश अभी एज इट इज डीले हो चुकी है, आने वाली फसल भी हमारी समय पे ठीक होगी कि नहीं मालूम नहीं, प्याज का दाम नहीं मिलेगा। कल हमारा यहाँ पे रक्षाबंधन का त्योहार है, हम हमारे बहन के बहन जब हमको राखी बांधने के लिए आएगी तो उसके प्लेट में जब हम वो हमारी आरती करेगी तो हम उसके प्लेट में क्या डालेंगे? ऐसे कंडीशन में मेंटली डिप्रेस है। आने वाला समय फटाक से दशहरा आ जाएगा, दशहरे में हमारी कोई फसल नहीं है, दिवाली में हमारी कोई फसल नहीं है। ऐसे कंडीशन में जब सरकार को बड़े ताकत के साथ में मदद करनी चाहिए थी, सरकार मदद नहीं कर रही है, उल्टा सरकार एक्सप्लॉइट कर रही है और फार्मर्स को। तो भोसले साहब, ये एक छोटी सी बात जो आपने बात कही बड़ी बड़ी इंपॉर्टेंट है, एक मिनट, दूसरा ऑप्शन नहीं बचेगा किसानों के पास। सर एक जो आपने अभी बात कही बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज जो फेस्टिवल सीजन है रक्षाबंधन के साथ शुरू होता है, कल रक्षाबंधन है। सर सरकार ये कहती है, नरेंद्र मोदी जी की सरकार ये कहती है कि 200 रुपए कम कर दिए उन्होंने एलपीजी गैस सिलेंडर से, इसका कोई भी प्रभाव पड़ेगा क्या? मतलब 1100 का जो सिलेंडर है उस पर 200 रुपए कम कर दिए गए? सरकार ने उजाला योजना लाई थी जी, और जब उजाला योजना लाई थी तो बहुत सारे महिलाओं को उन्होंने गैस का सेगड़ी और बाटला देने का काम किया जी, और कहा था कि हम लोग चूल्हे से और केरोसिन से पूरे देश को मुक्त करने का काम करेंगे जी। ये लगभग 4 से 5 साल पहले की बात है, लेकिन ये 5 साल के बीच में वो गृहिणियों ने, वो महिलाओं ने वो गैस का सिगड़ी और गैस का सिलेंडर बांध के कहीं पे अपने घर में रख दिया, क्योंकि उनको लकड़ा जलाना आसान लगता था ये 1100 और 1200 रुपए का सिलेंडर लेने से। इसीलिए वो लोगों ने पूरा गैस वेस्ट का इस्तेमाल करना बंद किया। ये जब गवर्नमेंट के बाद ध्यान में आ रही है कि आने वाले समय में 6-7 महीने 8 महीने में हमको फिर से इलेक्शन की तैयारी में लगना है और लोगों में एक माहौल बनाना है कि हम गरीबों के साथ है, तो ये कहीं ना कहीं कॉस्मेटिक जिसको बोलते हैं हम लोग, लाली पाउडर लगाने का काम सरकार लाली पाउडर लगा रही है किसानों को और महिलाओं को कि हमने आपका 200 रुपए कम किया। अरे वो महिला के पास 900 रुपए भी नहीं है, 1100 का सिलेंडर तुम 200 में 200 कम करोगे, 900 भी कहां से भरेंगे हम लोग? आप लोगों ने किसानों को एक प्याज का मुद्दा, जैसे आपने बताया पूरे देश में हर अलग अलग जगह पे अलग अलग फसल आती है, फसल से 2 पैसा आ रहा नहीं है। अगर पैसा नहीं हमारे पास आएगा तो हम लोग कौन से पैसे से वहां पे गैस का बाटला खरीदेंगे? हमारा केरोसिन 10-20 रुपए लीटर में मिलता था, 50-60 रुपए का या 100 रुपए का केरोसिन ले लो तो पूरे महीने भर चल जाता था। आज 900 रुपए का सिलेंडर हम लोग लाएंगे कहां से? इस पे जो सब्सिडी थी गवर्नमेंट ने दी हुई वो सब्सिडी बंद कर दी, शुरुआत में बोले कि हम लोग आपके अकाउंट में सीधे तरीके से पैसे डालेंगे। हम लोग को अच्छा लगा कि भाई 2 पैसा डायरेक्ट गवर्नमेंट हम लोग को देने वाली है। वो 2-4 साल चला कुछ आई थिंक, और उसके बाद में वो भी बंद कर देने का काम किया। माने ना आप कम रेट में दे रहे हो, ना आप हमको सब्सिडी का पैसा दे रहे हो, ना आप हमको केरोसिन से खाना बनाने दे रहे हो, माने आप हमको खाने पीने से भी वंचित कैसे रखा जा सकता है? और जिस प्रकार से मनुष्य में रखा गया कि गरीब को गरीब और ज्यादा कैसे रख सकते हैं हम लोग, उस पर ध्यान दिया जाए, उसी प्रकार की पॉलिटिक्स कहीं ना कहीं आज भारतीय जनता पार्टी अपने कृति से कर रही है, अपने एक्शन से कर रही है। रक्षाबंधन सर, रक्षाबंधन, जन्माष्टमी, सर रक्षाबंधन, जन्माष्टमी, दही हांडी, गणपति, दशहरा, दिवाली, ऐसी जाने वाली है क्या भोसले साहब? हम लोगों ने तो सोच लिया है कि इस बार के सारे ही त्योहार हमारे शायद ब्लैक डेज के तौर पे हम लोग को सेलिब्रेट करने पड़ेंगे, ऐसे पूरे महाराष्ट्र का ही अभी माहौल दिख रहा है। देश का मैं बहुत ज्यादा बोल नहीं सकता, लेकिन महाराष्ट्र में तो फिलहाल ऐसा ही माहौल है कि जन्माष्टमी, कल से ही हमारा रक्षाबंधन चालू हो रहा है। कल हमारे बहन के थाली में आरती जब हमारी करेगी, हमको राखी देगी, हमको स्वीट देगी, तो हम हमारे जेब से क्या उसको निकाल के देंगे, इसी बात की चिंता हर भाई को आज महाराष्ट्र में सताई जा रही है। परिवारवाद, तुष्टिकरण, भ्रष्टाचार, यू नो, इंडिया के सब घटक दल, प्राइम मिनिस्टर मोदी जी का कहना है कि इंडिया के जितने भी घटक दल है, जिसमें आप भी घटक दल हो कांग्रेस के साथ, आप परिवारवाद से दूर नहीं भागते। उन्होंने चंद्रयान 3 का उदाहरण दिया कि बीजेपी ने, मोदी साहब ने जो नाम दे दिया है, शिव शक्ति, फिर तिरंगा
और आगे जाके बोला कि चंद्रयान वन आपने उसी में भी परिवारवाद को लेके आया, उनको जवाहर पॉइंट। तो क्या तुष्टिकरण, परिवारवाद और भ्रष्टाचार, जैसे मोदी साहब का कहना है, इससे बाहर इंडिया नहीं निकल पाएगा? भोसले साहब, बार बार परिवार की बात के नाम पे जिस नेहरू गांधी परिवार के बारे में टीका टिप्पणी करने का काम मोदी जी या बीजेपी की पार्टी करती है, उसी पार्टी के प्रमुख नेता जवाहरलाल नेहरू जी ने इसरो की यदि स्थापना नहीं की होती तो आज शायद हमारा स्पेस में हमारा कोई नाम नहीं होता, आज हमारा चंद्रयान चंद्र पे जा नहीं पाता, चांद पे जा नहीं पाता। तो इन सभी चीजों का वहां पे पहुंचना या साइंटिफिक डेवलपमेंट जिसको कहते हैं हम लोग नेशन में होना, इसकी जिम्मेदारी ही जवाहरलाल नेहरू जी है। और उस व्यक्तिमत्व को, उस परिवार को यदि आप बार बार परिवारवाद के वो लपेटे में लेते रहोगे, उसके बारे में चर्चा करोगे, उससे अच्छा है यार आप डेवलपमेंट की बात करो। आपके पास जब ये जवाहरलाल नेहरू जी प्रधानमंत्री थे उस वक्त 30-40 करोड़ लोगों की आबादी थी, आज की आबादी लगभग 140 करोड़ की हो गई है, इकोनॉमी बड़ी हो गई है, लोगों को ज्यादा ज्यादा सर्विस कैसे प्रोवाइड कर सकते हैं उस पर ध्यान देना चाहिए, लोगों को ज्यादा ज्यादा हम लोग फाइनेंशियली स्टेबल कैसे कर सकते हैं उस पर ध्यान देना चाहिए। आप वो सब तो चीजें करते नहीं हो, बाकी के मुद्दों में सिर्फ लोगों को अगर अटका के रखोगे, भड़का के रखोगे तो देश चलने वाला नहीं है। आप लोगों को सीधे तरीके से स्टार्टअप इंडिया, मेक इन इंडिया, मेड इन इंडिया, मुद्रा लोन, इस पे बात करनी चाहिए। आज सबसे बड़े पैमाने पे अगर इस देश में कोई घटक है तो युवा वर्ग है, जिसकी उम्र लगभग 18 से लेकर 45 साल की है, वो सबसे बड़ा वर्ग है। इस वर्ग के बारे में आप लोगों ने, आप लोगों के भविष्य के प्लान्स क्या हैं जी? आपने मुद्रा लोन लाई थी, मुद्रा लोन के माध्यम से कितने लोगों को वहां पे डेवलपमेंट करने का मौका मिला, कितने लोगों के बड़े बड़े बिजनेस सेटअप्स हो गए, हर जिले का आप नंबर बता दो, वो आदमी का नाम बता दो हमको वेबसाइट्स के माध्यम से, हम लोग देख लेंगे। हम लोगों को भी अगर वहां से कोई नया प्लान मिला तो हम लोग भी वहां वैसा कुछ बिजनेस चालू करने की कोशिश करेंगे। लेकिन आपकी सारी योजनाएं फेल है, आप हर जगह पे फेलियर रहा है आपका, और आप अपना फेलियर बचाने के लिए यदि आपके पास कोई मुद्दा है तो सिर्फ उतना ही मुद्दा है, नेहरू गांधी परिवार की बुराई करना, नेहरू गांधी परिवार के लोगों पे कुछ ना कुछ टिप्पणियां करते रहना और जाति मजहब के नाम पे लोगों को गुमराह करते रहना। नीरज भोसले साहब, इट्स बीन अ ग्रेट प्लेजर टॉकिंग टू यू, थैंक यू सो मच सर फॉर ज्वाइनिंग अस, ऑलवेज अ प्लेजर टॉकिंग टू यू, सो नाइस ऑफ यू सर, और रक्षाबंधन की आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। जबकि आपने कहा, जो आपने कहा वो खबर तो अच्छी नहीं है, लोगों की जेब में पैसा नहीं है, भाइयों की जेब में पैसा नहीं है, जब बहन आएगी राखी लेकर के तो क्या डालेंगे उसकी थाली में, बड़ी सोचने वाली बात है और बड़ी दुखद बात है। और दूसरी चीज़ क्या है कि 1100 रुपए के सिलेंडर में अगर 200 रुपए कम भी कर दिए तो ये तो थोड़ा सा मतलब एक बहुत ही क्रूअल सा जोक हो गया। वेरी फ्रैंकली एवरीबडी एक्सपेक्टेड दैट 600 और 700 रुपीज़ का कोई सब्सिडी मिलती, 500-600 के ऊपर अगर गैस सिलेंडर आता तो शायद कोई बात बनती, ये तो कुछ बना नहीं, कुछ समझ में नहीं आया। चलिए नीलेश भोसले साहब, थैंक यू सो मच सर, गॉड ब्लेस यू, नमस्कार, थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग अस, जय हिंद, जय महाराष्ट्र, जय भवानी, जय शिवानी, वंदे मातरम। प्रदीप जी, वेरी फ्रैंकली आई एक्सपेक्टेड दैट द सब्सिडी ऑन द गैस सिलेंडर वुड बी एटलीस्ट 500 रुपीज, एटलीस्ट 500 या 600 रुपए की अगर सब्सिडी देते तो 200, I mean, initially we thought it's a great relief, but when everything settled down, but sir, it's only 200 rupees. From 1100 rupees, 200 rupees, nikal kare sir, 900 rupees ka phir gas cylinder. So, which means now, Rajasthan mein, jo 600 rupees ka gas cylinder, ab 400 ka milega kya? Let's... Wow, subsidy pass hoga. But anyway, where states are concerned, Congress seems to be having an advantage. मध्य प्रदेश हो, राजस्थान हो, छत्तीसगढ़ हो, अर्लियर कर्नाटका, दे वन ऑन द गैस, हनुमान जी का नाम भी लो और गैस को भी नमस्कार आप कीजिए, एंड दैट्स व्हाट कर्नाटका। लेकिन प्रदीप जी, जो अभी अभी नीलेश भोसले साहब ने जो बात कही वो बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि भाई फेस्टिवल सीजन शुरू हो रहा है, त्योहारों का सीजन, इट ऑलवेज किक्स ऑफ विद द रक्षाबंधन। सर, रक्षाबंधन के बाद अभी आगे जा करके जन्माष्टमी आने वाली है, वो क्या है, दही हंडी होती है वो होगा, उसके बाद वो नवरात्रि आएगी, दशहरा आएगा, दिवाली आएगी, लोग क्या करेंगे? अगर जो बेचारे अनियन फार्मर्स है वो क्या करेंगे, जो टोमेटो फार्मर्स है वो क्या करेंगे? मतलब द फेस्टिवल्स ऑफ द सीजन ऑफ फेस्टिवल्स हैव ऑलरेडी बिकम, दैट्स राइट, द फेस्टिवल सीजन हैज बिकम, एंड टुडे इज ओणम, बिल्कुल हैप्पी ओणम टू एवरीबॉडी।
I don't know what's happy about it, but we're very, very happy, Onam, to all the people who are celebrating Onam, including yourself, Pradeep ji. Yes, bilkul. Right, and but I hope things improve. I hope Mr. Modi actually does something or says something. August has been a very good month in terms of achievements, but in terms of putting money in people's pockets, we have a problem there. We have a real problem there, especially with regard to prices, especially with regard to farmers not getting the minimum support price. We really have a major problem. I hope everybody wakes up to that problem. They should. Well, we have a few comments. जैसे मैं रोज रिक्वेस्ट करता हूँ आपसे, आप जरा अपने कमेंट्स भेजते रहें. We'll try and read them out over here. Let's take a look at some of the comments which have come in. दिखाइए. This of course is marvelous interaction. Mr. Devinder Kalra says 2800. Kalra sahab, thank you so much. Kudos to Nation Now for showcasing what work MNS, the only credible party left, is doing for the citizens of Maharashtra. MNS Maharajacha Mawla. Maharajacha Mawla. That's right. And quite nice, thank you very much. And this of course is for Mr. Bharat Soni, the only bogus person in politics is Modi. Bogus life, bogus degree, bogus achievements, bogus image, bogus talk. That's why he has to constantly maintain his image with the help of Modi media. No leader in the world does so much nautanki as Modi. He never faces open press conference because he's afraid if they ask him unscripted questions, he will get exposed. Modi is bad for India, according to Marshall D'Souza is a Russian name. Well, I am a Modi fan, let me tell you very frankly, and I think Modi is very good for India. The only thing that the Modi government has to do is to control the prices and everything becomes absolutely all right. 200 rupees subsidy is nothing. And if the center has given 200 rupees subsidy, I hope the state governments give another matching 200 rupees. So that makes it 400 rupees. So which means from 1100, the gas cylinder could come down to 700. I hope they do that. I really and truly hope they do that. He's always done that. The center reduces something and then it depends upon the state to reduce the other. Well, so if the state can even give 300 rupees, why not? Agar 500 rupees se kam kar de, to 700 rupees is affordable. So we'll have to see what Mr. Yogi Adityanath is doing. In UP. And what Shivraj Singh Chauhan does in Madhya Pradesh. Is doing here. And what Mr. Shivraj Singh Chauhan does in Madhya Pradesh. And what Mr. Ignat Shinde does in Maharashtra, and what Mr. Stalin does in Tamil Nadu, or for that matter, what Mr. Siddaramaiah does in Karnataka. Unless and until, of course, the Karnataka government decides to pocket the 200 rupees subsidy. To pay for the grains, to pay for the rice. To pay for the rice. That would be nice. Because then what happens is, they will have to give only a 300 rupees subsidy for the gas cylinder. But they're also giving a 2000 rupees to the woman. Yes, that's right. So every state is fighting with each other to see that they give the woman pension every month. And every state is fighting. It started with 1500, then 1800, now it's 2000. But in any event, all I'm saying is that Mr. Modi and the BJP government really and truly have to take a close call on how to reduce prices. Prices have to come down because if they don't, the BJP will be facing another Karnataka. There's no doubt about it. Bharatiya Janata Party ko shayad abhi lag raha ho ki hum log revaniyan nahi baatenge, freebies nahi denge, ye nahi denge, wo nahi denge. Saab dekhi, जो भी आपको गैस सिलेंडर 550 रुपए में देगा, जो भी आपको 1800 रुपए का वजीफा देगा हर महीने का, जो भी आपको 200 यूनिट बिजली मुफ्त में देगा, वो भारत जीतेगा. आप कुछ भी कर लीजिए, ये होने ही वाला है. एंड आई थिंक द बीजेपी हैज टू वेक अप टू दैट फैक्ट. प्रदीप जी, योर कमेंट. इफ द पुअर गेन्स, डेमोक्रेसी इन इंडिया गेन्स. अल्टीमेटली, as we always quote Mahatma Gandhi, the joy in the face of the poorest of poor is, the smile in the face of the poorest of poor is only an indicator of whether democracy has succeeded. Right, fantastic. That's it. That's just about it. From both of us, that is from Pradeep ji and me. Pradeep ji and I, actually. I is the correct way of saying it. But आप सब लोगों को एक बार फिर रक्षाबंधन की बहुत बहुत शुभकामनाएं.
हैप्पी ओणम, ओणम की बहुत बहुत शुभकामनाएं सब लोगों को. आई होप योर पॉकेट्स जिंगल विद अ लॉट ऑफ मनी एंड यू आर ऑल एबल टू एंजॉय योरसेल्फ. एंड इवन इफ यू डोंट हैव मनी, आई होप यू आर एबल टू एंजॉय योरसेल्फ एनीवे. दैट्स जस्ट अबाउट इट फ्रॉम ऑल ऑफ अस हियर ऑन नेशन नाउ. आप देखते रहें नेशन नाउ, सब्सक्राइब कीजिए नेशन नाउ को और अपने कॉमेंट जरूर भेजते रहें. प्रदीप जी और मेरी तरफ से आप सबको नमस्कार. जय हिंद, जय महाराष्ट्र, जय भवानी, जय शिवाजी, वंदे मातरम, वंदे मातरम.